यार आज की वीडियो में कुछ अच्छी 7 मूवीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप एक बार देख लोगे तो इनके कॉन्सेप्ट की तारीफ तो करोगे ही, लेकिन इनको खत्म करने के बाद एक बहुत ही अच्छा फील गुड वाला एक्सपीरियंस भी जरूर करोगे। तो इससे पहले वीडियो स्किप करने लग जाओ, मैं इंट्रो में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता, सीधे इसको स्टार्ट करता हूं। और आज की पहली मूवी है द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिट्टी, और ये वाली मूवी 2013 में आई थी। अब इस मूवी की कहानी ये कह सकते हो कि हम सब लोगों की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा रिलेट करती है। इसके अंदर वॉल्टर मिट्टी नाम का बंदा होता है जो कि वह ख्यालों की दुनिया में जीता रहता है। उसने अपनी जिंदगी के अंदर कभी कुछ ऐसा एडवेंचरस नहीं करा जिसके बारे में लोगों को बता सके, लोगों के साथ शेयर कर सके। उसकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी है जिससे वो ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता है। साथ ही एक लड़की उसको पसंद है उसके ऑफिस में ही, जिससे वो कभी कुछ बोल नहीं पाता है। तो आप समझ सकते हो उसका कैरेक्टर कैसा है, लेकिन वह अपनी खुली आंखों से सब कुछ वो करता है जो वो सोच रहा होता है। मतलब उस लड़की को प्रपोज करना, दोस्तों के साथ एक साथ घूमना फिरना या फिर एडवेंचर ट्रिप करना, ये सब अपने सपनों के द्वारा करता है। लेकिन भाई एक दिन ऐसा आता है कि उसको लगता है कि उसको रियल लाइफ के अंदर भी ये सब एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो वो सोचता है कि उन्हें एक एडवेंचर पर जाया जाए। फिर वो अपने एडवेंचर पर जाने के दौरान अपने आप को कैसे डिस्कवर करता है, इस बारे में मूवी है दोस्तों। बड़ी खूबसूरत मूवी है, एक बार जरूर देखना। दुर्भाग्यवश मूवी आपको किसी ओटीटी पे फिलहाल नहीं मिलेगी, तो आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाती है। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का नाम है स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस दी वर्ल्ड, और ये वाली मूवी 2010 के अंदर आई थी। भाई ये अपना में बहुत ही ज्यादा यूनिक मूवी हो सकता है। आप इस मूवी को देखो और आपको ज्यादा समझ भी नहीं आए, ज्यादा पसंद भी नहीं आए, लेकिन ये मूवी देखते हुए अगर आप थोड़ा खुला दिमाग रखोगे तो भाई आपको डेफिनेटली मूवी पसंद आएगी। इसके अंदर एक स्कॉट पिलग्रिम नाम का बंदा होता है जो कि थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट बंदा होता है। तो उसको एक दिन एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम रमोना फ्लावर्स होता है। आप सब लोग उसको मना करते हैं कि उसके पास मत जाओ, लेकिन वो लड़का हिम्मत करके चला जाता है। वहां से भाई मूवी का मजा स्टार्ट होने लग जाता है, क्योंकि उस लड़की के कुछ होते हैं एक्सेस, और अगर उस लड़के को उस लड़की से रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है तो उन सारे एक्सेस का सामना करना पड़ेगा। अब भाई यहीं से इस मूवी का मजा स्टार्ट हो जाता है। उस लड़की के जितने भी एक्सेस होते हैं जब वो स्कॉट पिलग्रिम से सामना करते हैं, तो भाई अजीब सी एक इमेजिनरी बैटल स्टार्ट हो जाती है सुपर हीरो स्टाइल में। फिर पहले वाले बॉयफ्रेंड से थोड़ी हल्की बैटल होती है, फिर जैसे जैसे बॉयफ्रेंड का लेवल बढ़ता जाता है बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होती जाती है। अब स्कॉट पिलग्रिम उन सबको हरा पाता है या फिर नहीं, उस लड़की को जीत पाता है या नहीं, ये इस मूवी को देख के जानो। काफी एंटरटेनिंग मूवी है, काफी एडवेंचर, काफी एक्शन, काफी कॉमेडी के साथ भरी हुई है। तो एक बार देखना जरूर कंसीडर करना। और अगर आप ये मूवी देखना कंसीडर करने वाले हो तो प्राइम वीडियो पर रेंट पे देख सकते हो, या फिर आप इंटरनेट की शक्ति इस्तेमाल करके हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का नाम है कम एज यू आर। ये वाली मूवी 2019 में आई थी। बहुत ही खूबसूरत मूवी है भाई ये वाली मूवी, और मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा यूनिक भी है, क्योंकि ऐसी मूवी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। इस मूवी के अंदर 3 दोस्त होते हैं जो कि भाई तीनों के पास फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है। अब ऐसा नहीं है कि मूवी उन चीजों को लेकर थोड़ा इमोशनल रूप दिखाए हमको, लेकिन उसी चीज को हमको कॉमेडी रूप में दिखाती है। तो तीनों दोस्त होते हैं, उन तीनों को पता चलता है कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, सारी इच्छाएं। तो वो एक नर्स ड्राइवर की मदद लेकर सोचते कि वहां पर जाया जाए, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करी जाए। तो इनकी जो रोड ट्रिप होती है वहां तक जाने की भाई फुल ऑन एडवेंचर, फुल ऑन कॉमेडी भरी होती है। तो एक बार मूवी देखना भाई जरूर कंसीडर करना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डीप, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी लगी मेरे को। अब बेस्ट बात बताता हूँ कि आपको ये देखने के लिए कोई ज्यादा सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं चाहिए, आप एमएक्स प्लेयर पर इसको फ्री में देख सकते हो, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इस मूवी को एक बार देखना जरूर कंसीडर करना, मस्त मजा आएगा इस मूवी के अंदर, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही सेटिस्फाइंग। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का नाम है हर। ये वाली मूवी 2013 में आई थी। भाई ये वाली मूवी भी बहुत ही यूनिक मूवी है अपने आप में। अब सोच के देखो इतना ज्यादा AI वगैरह का इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो रहा है, लोग गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, कोई बिक्सबी से बात करता है, कोई अमेजन एलेक्सा से बात करता है, लेकिन क्या होगा जब एक ऐसा AI डेवलप हो जाए कि किसी लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाए। तो भाई इस मूवी के अंदर भी एक ऐसा ही होता है, एक राइटर होता है जिसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो लड़की कोई असली इंसान नहीं होती भाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। और भाई इस मूवी के अंदर जो एक्टिंग करी है जो क्वीन फीनिक्स ने, भाई क्या गजब की करी है। आप शायद जानते भी होंगे इन्होंने जोकर के अंदर भी एक्टिंग करी थी, तो आप समझ सकते हो इनका एक्टिंग का लेवल कितना हाई है। इस मूवी के अंदर भी वो चीज एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो बहुत ही यूनिक मूवी है, बहुत ही खूबसूरत आइडिया, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन है। तो इस मूवी को एक बार देखना जरूर कंसीडर करना, आपको ये मूवी डेफिनेटली जरूर पसंद आएगी। और ये मूवी अगर आपको देखनी है तो प्राइम वीडियो पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और ये वाली मूवी का भाई कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगता है मेरे को पर्सनली। इस मूवी का नाम है चिल्ड्रन ऑफ मैन, और ये वाली मूवी 2006 में आई थी। इस मूवी के अंदर थोड़ा फ्यूचर का जमाना दिखाया है जिसके दौरान जितनी भी लेडीज है सारी इनफर्टाइल हो गई है, वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो जो आबादी है एक जगह रुक गई है, अगर लोग मर जाते हैं तो मर ही जाते हैं, दोबारा पैदा नहीं किए जा सकते। लेकिन इमेजिन करो कैसी लोगों के पीछे कैसी लेडी हो जो कि बच्चा प्रोड्यूस कर सकती हो, प्रेग्नेंट हो गई हो, तो उसके साथ क्या होगा। तो इस मूवी के दौरान एक आदमी को उसी लेडी को बचाना होता है, वो कैसे बचाता है, उसी लड़की के साथ क्या होता है, इस मूवी को देख के जानो। काफी अच्छा ड्रामा, काफी अच्छा थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलता है इस मूवी को। तो एक बार देखना जरूर कंसीडर करना, ये आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी, और अगर आपको हिंदी में देखनी है तो आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। भाई साहब ये वाली मूवी जब देखी थी भाई आंखें सुनी से गड़ी रह गई थी, इसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। हालांकि हमने ये कॉन्सेप्ट पहली बार नहीं देखा, इसको हमने इंडियन सिनेमा के अंदर भी कई बार देखा, लेकिन इस मूवी के अंदर वो कॉन्सेप्ट अलग ही लेवल पर चला जाता है। इस मूवी का नाम है स्प्लिट, और ये मूवी 2016 में आई थी।
इस मूवी के अंदर तीन लड़कियां किडनैप कर ली जाती हैं। अब उनको किडनैप किसी आम इंसान ने नहीं करा होता, एक ऐसे बंदे ने करा होता है जिसके अंदर 23 पर्सनैलिटी घुसी हुई है, मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है बंदे के पास 23 की 23। लेकिन मैं 23 पर्सनैलिटी जो होती है वो तो अलग अलग होती है, कोई लेडीज होती है, कोई बच्चे की होती है, वो सब समझ में आता है। मूवी के अंदर अलग इंटेंसिटी ऐड कर देती है वो चीज़। लेकिन बस 24वीं पर्सनैलिटी जो होती है सुपर हीरो की होती है, मतलब उड़ नहीं सकता है लेकिन वो बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो सुपर ह्यूमन लेवल का हो जाता है। अब सोच के देखो, वो 24वीं पर्सनैलिटी अगर उन तीनों लड़कियों के सामने आएगी तो वो लड़कियां क्या करेंगी, अब वो क्या क्या कर सकता है ये जानने के लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी। कैसे भागेंगे, कैसे अपनी जान बचाएंगे, इस मूवी को देख के जानो भाई। कमाल का थ्रिलर, कमाल का साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इस मूवी के अंदर, तो एक बार जरूर ट्राई करना। मस्त मूवी है, डेफिनेटली मस्ट वॉच है मेरी नजर में तो। और ये मूवी अगर आप देखना कंसीडर करने वाले तो प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। और इस मूवी का आइडिया ने भाई बिल्कुल स्क्रीन से चिपका के रखा था। इस मूवी का नाम है फोन बूथ और ये वाली मूवी 2002 में आई थी। इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि एक आदमी होता है रेगुलरली अपनी जिंदगी जीते हुए एक फोन बूथ के पास जाके खड़ा हो जाता है। फोन बूथ की घंटी बजती है, वो बंदा फोन उठा लेता है, भाई वहां से उसकी जिंदगी नरक बनना स्टार्ट हो जाती है। एक बंदा है जो कि उसको फोन बूथ पर धमकी दे रहा है कि अगर वो उस फोन बूथ से बाहर निकला तो उस पर गोली मार के उसको मार दिया जाएगा। अब भाई इस फोन बूथ के अंदर रहते रहते उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से और भी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और यहां तक कि पुलिस तक आने की नौबत आ जाती है। अब ऐसा उसके साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब जानने के लिए तक मूवी देखो। कमाल की मूवी, कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी भाई। ये मूवी आपको फिलहाल किसी ओटीटी पर नहीं मिलेगी, तो अगर आपको देखनी है तो आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाती है। खैर तो दोस्तों, ये कुछ मूवीज थी जो मैं इस वीडियो के द्वारा रिकमेंड करना चाहता था। अगर आपको और यूनिक मूवीज चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देखना कंसीडर कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने 7 और मूवीज बताई है सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। अभी ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग।